जनपद में सुबह व शाम रहेगा मौसम ठंडा, दिन में रहेगा धूप। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। परिवहन विभाग की तरफ से बस स्टैंड पर ठंड में यात्रियों के लिए 20 बेड की अस्थायी रैन बसेरे की गई है व्यवस्था। बस स्टैंड पर रुकने की है व्यवस्था, करवाया जा रहा है अलाव की व्यवस्था। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने दी जानकारी। जनपद में अयोध्या दास इंटर कॉलेज में अध्यापक व अध्यापिकाओं के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी, छात्र व छात्राओं को पढ़ाई में होगी आसानी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में विकसित भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने लाइव के माध्यम से बच्चों को किया संबोधित। कहा, बच्चे मोबाइल से बाहर निकलकर वास्तविकता को समझें, विकसित भारत बनाने में दें अपना सुझाव। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में ललित कला महोत्सव का 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होगा आयोजन। आयोजित की जाएगी विभिन्न तरह की प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। गोरखपुर जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए एडीजी जोन कमिश्नर के अगुवाई में अन्य अधिकारियों ने 900 तिराहे का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने को लेकर AHTU थाना द्वारा लगातार चलाया जा रहा अभियान। करीब एक साल में AHTU थाना द्वारा 332 बच्चों को किया गया है रेस्क्यू। जन जागरूकता अभियान के तहत 15,000 बच्चों को किया गया जागरूक। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में सराफा कारोबारी से लूट कांड का SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया सनसनीखेज खुलासा। लूट कांड का मास्टरमाइंड शातिर बदमाश पवन सहानी समेत दो बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। लूटी गई नकदी समेत जेवरात व एक पिस्टल की गई बरामद। डीएम व SSP ने निरीक्षण के बाद जाम से राहत का बनाया प्लान। भीड़ के समय भारी वाहनों का प्रवेश कब्जों में रहेगा वर्जित। शहर के प्रमुख चौराहों पर अतिक्रमण हटाकर आवागमन को सुचारू रूप से कराया जाएगा संचालित।